वक्त पे मैं गई हूँ ऐसे, लेकिन हर वक्त खुद को जाना नहीं पॉसिबल होता क्योंकि आप शहर से बाहर रहते हो। इस बार नहीं थी तो मुझे लगा कि ये चांस लेना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों के चेहरों के ऊपर हंसी देखना जैसे बेहतरीन चीज़ कोई नहीं हो सकती, और मासूमियत इतनी है कि उनको कोई पता नहीं है कौन आया, क्या है, आया है क्या है, किसके साथ नाच रहे हैं। दे आर जस्ट हैप्पी कि केक मिल रहा है और नाचने को मिल रहा है। तो मुझे फरमाइशें आ रही थी, ये गाना बजाओ, वो गाना बजाओ, और मुझसे कई बेहतरीन डांसर्स यहाँ हैं। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी करियर इनसे पहले बन चुकी, नहीं तो बहुत मुश्किल होती है ऐसे डांसरों के बीच में मेरा नाम बनाना। वो सारी पॉलिटिकल बातें आज दूर ही रखे तो अच्छा है, वरना आप ही बोलोगे कल को कि मैं हमेशा जहाँ जाती हूँ सिर्फ पॉलिटिक्स की बातें करती हूँ। नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि लकड़ी की काठी जैसे गानों से मुझे एक ऊर्जा मिलती है बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने की, तो मैं उसे पूरी पूरी तरह से निचोड़ना चाहती हूँ, और बस आज का दिन उसी के लिए है। महाराष्ट्र के वर्धा में एक महिला टीचर को पेट्रोल से जलाने की कोशिश की, जिसका नहीं, ये चल रहा है, ये मुझे अभी सुनने को मिला, टू बी ऑनेस्ट, और भयानक दुखद घटना है ये, और एक तरह से मुझे लगता है बहुत ज़्यादा स्तर पर ये हिंसक घटनाएं सारे देश में बढ़ गई है। बहुत सारी वजहें उसके, हमें एक वजह नहीं बोल सकती या कुछ कोई नहीं बोल सकता, लेकिन ये हमेशा दुखद होती है, और ज़्यादातर अगर वो महिलाओं के प्रति है तो बहुत ज़्यादा दुख भरी होती है।